आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला के ऊपर, और एरे फॉर्मूला में हम बात करेंगे आज इनडायरेक्ट का यूज करना या उसको ऑटोमेट करना। हम आज इसके बारे में आपके साथ बात करेंगे, राइट सर। सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि हमारे पास एक नंबर, मान लीजिए एक सेल है, उसमें हमने कुछ नंबर्स लिख रखा है। इन नंबर्स को आपस में सम कर, जैसे कि इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, दैट इज। ठीक है, कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मेरा नंबर 3 डिजिट का ही है, तो मैं यहाँ पे इक्वल लिखूंगा सम, और सम में दूंगा मिड, और मिड में इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट देंगे 1, 2, 3 और फिर यहाँ पे कॉमा 1। रिजल्ट 0 आया। रिजल्ट 0 इसलिए आया क्योंकि मिड जो है, अगर आप फॉर्मूला एवेल्युएट करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर फॉर्मूला कर क्या रहा है। तो फॉर्मूला यहाँ कर क्या देख रहा है, ए सारे नंबर्स को अलग कर दिया, पर इन्वर्टेड कॉमा में किया, इट मीन टेक्स्ट में किया। तो मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 कर देता हूँ, तो रिजल्ट हमारा 8 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरा डिजिट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो 3 दिन तक ही सम कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे और डिजिट बढ़ाना होगा, तो यह लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 12 डिजिट लिख दिया, तो मुझे 1 से लेकर 12 तक का नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक रो का फॉर्मूला होता है, जिसे मैंने 1 से लेके मैंने कर दिया 5। पांच फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा, तो आप देख रहे हैं रो क्या किया, या रो को देखिए कर्ली ब्रैकेट में 1 से लेकर 5 तक टूट गया, क्योंकि हमने मैनुअल हमने लिखा था कर्ली ब्रैकेट में, तो रो ये ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो रो का इस्तेमाल हम जहां में लिखना होता है, जैसे हम 1 50 में लिखना है, 25 तक लिखना है, वहां पे हम रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि ऑटोमेट कैसे करें। तो मैंने क्या किया, इसमें हमने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, कॉन्कैटनेट लगाया, और एन परसेंट के साथ इसकी लेंथ जो है, लेंथ को हमने इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया कि ये एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब एन परसेंट लगा तो ये रेफरेंस नहीं हो रहा, ये क्या रह गया, टेक्स्ट रह गया, एबीसीडी रह गया। इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इनडायरेक्ट, और यहाँ पे हम रेफरेंस कंट्रोल से। अब क्या कर रहा है, चलिए बताता हूँ आपको। पहले 2 या यहाँ पे आया, लेन भी इसने लेंथ लगाया कि 5 है, फिर 1 को 5 के साथ कंबाइन करके 1 से 5 दिया, लेकिन इन द इन्वर्टेड कॉमा, तो ये रेफरेंस रीड नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट ने इसको कन्वर्ट कर दिया रेफरेंस में। अब रो इसको रीड करेगा और 1 से लेकर 5 तक का नंबर छोड़ देगा, और फिर मिड लूप में चलेगा, 1 से लेकर हर नंबर को अलग अलग कर देगा, लेकिन द टेक्स्ट सम टेक्स्ट नहीं करता है, टेक्स्ट को सम नहीं करता है सम, तो फिर ये नंबर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है सर? हाँ जी, अब यहाँ पे मैं कितना भी नंबर क्यों ना डालो, डिजिट फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ना, हम तो एक रियल वर्क करेंगे ना। तो चलिए हम आपको रियल वर्क बताता। फाइनेंशियल मामला पढ़ाया था आपको, याद होगा, याद है? 50, मान लीजिए 50,000 रेट है, इंटरेस्ट है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम जो है मेरा वो मान लीजिए 3 साल है। तो इसके लिए हमने ईएमआई निकाली थी, किसके थ्रू, पीएमटी के थ्रू, रेट डिवाइड बाय 12, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, एंड पी प्रेजेंट वैल्यू।
आ गया। तो 36 महीने का हमारा ईएमआई बना 1566 रुपये। अब मान लीजिए कि 18वें महीने जाके बोलता भाई आप मुझे आगे ईएमआई नहीं चलाना है, कितना पैसा बैलेंस बच रहा है बताओ मैं दे देता हूँ। तो कस्टमर बोलेगा कि मैंने 28,000 रुपया आपको दे चुका हूँ 18 महीनों में, तो आपका 22,000 बच रहा है, 22,000 ले लीजिए। क्या यही सही होगा? नहीं, क्योंकि हर महीने जो इसने दिया है तो इसमें जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसमें इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है IPMT, जो कि इंटरेस्ट निकालता है, रेट डिवाइड बाय 12, कौन सा महीना, पहला महीना, फिर NPR टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, और PV हमारा 50,000। तो पहले महीने में 333 रुपये का क्या था, इंटरेस्ट था, तो मतलब कि 1100 1200 समथिंग इसका प्रिंसिपल होगा। तो हर महीने इसी तरह से इसमें इंटरेस्ट है, जब हम जाएंगे तो आपको हर महीने का इंटरेस्ट मुझे हटाना पड़ेगा ना, क्या सर? लेकिन बिल्कुल IPMT या PPMT भी होता है जो प्रिंसिपल निकालता है, समझे? एक PPMT हमारा होता है इक्वल PPMT, लगता सेम है, रेट डिवाइड बाय 12, कौन सा महीना, पहला महीना है देखना है हमें, और NPR मतलब टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 एंड हमारा PV, तो 1233 रुपये। तो अब मुझे इसमें से दिखाना है कि इसमें से प्रिंसिपल आपने कितना दिया है, ये मुझे निकालना है। बट मेरे पास जो PPMT फॉर्मूला है वो मंथ वाइज देता है, मतलब कि एक महीने का ही। अब यहाँ पे महीना का दो दूंगा तो दूसरे महीने का दिखाएगा, तो हर महीने ब्याज घटता जाता है और प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, क्या सर? हाँ जी, और तो क्यूमुलेटिव नहीं दिखेगा। हाँ, तो मैं मान लीजिए 5 महीने के चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इक्वल सम करना होगा, और सम में PPMT रेट डिवाइड बाय 12, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 एंड 5 ले लूंगा, एंड कॉमा टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, प्रेजेंट वैल्यू और PV हमारा ये हो गया। तो ये आपका 6250 रुपया दिख रहा है 5 महीने का, कि जमा तो उसने 7834 किया है, लेकिन 6250 ही उसका प्रिंसिपल है, तो 50,000 में से 6250 को घटा दिया जाएगा, और अधीन PMT लूप में टूट गया, तो से बीवी में लूप होता था, ये लूप बन गया, और सबने इसको सम कर। लेकिन वही है कि मान लीजिए मैं 18वें महीने का है, 18 महीने का है, तो मुझे 1 से लेकर 18 तक नंबर डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम रो यूज कर लेंगे, क्या सर? रो 1 से लेकर 18 है, लेकिन जब भी आप रो यहाँ पे कंट्रोल से एंटर मारना पड़ेगा। हाँ, वो यूज हो गया, 28 में 23,000 प्रिंसिपल है, तो 23,000 माइनस होगा। लेकिन मैं इसके साथ लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा, और इसमें कॉन्कटा डेट कर दूंगा मैं, इसको इसको एंड कंट्रोल से। अब मैं यहाँ पे 16 महीना डालो या 20 महीना डालो, ऑटोमेटिक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। मेरे पास डेटा है, और मुझे इस डेटा में से पहला
टॉप फाइव निकाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पे आप लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे। लार्ज डेटा को सिलेक्ट किया और टर्मर को सिलेक्ट किया, निकल जाएगा ठीक है। लेकिन मुझे यहां टॉप फाइव का टोटल चाहिए सब, ठीक है, जो इसका सम होगा, और मैं एक ही सेल में चाहता हूं, ये सब लिखना नहीं चाहता। तो यहां भी हम करेंगे वही मेथड जो मेथड हमने पाया है, सम लार्ज। हमने एरे जब इस्तेमाल करेंगे तो रेंज लीजिएगा, पूरा कॉलम मत लीजिएगा, और कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दिया। अब देखिए जब आप कर्ली ब्रैकेट मैनुअल लगाते हैं ना, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसे लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे? सर ये पॉइंट दोबारा बताना जो आपने बोला कर्ली ब्रैकेट। अगर आप कर्ली ब्रैकेट लगा के फिर कुछ लिखते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं मारना पड़ेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ रो का फॉर्मूला, रो और यहाँ पे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट 1 से लेके 5, इनडायरेक्ट में इन्वर्टर को हमने 1 से लेके कॉनकेटेनेट ये नंबर दे दिया हमने, और हमें कॉमा एक वेरिएबल है कंट्रोल से एंटर, समझ गया? मैं 6 डालूंगा तो 6 आएगा, 7 डालूंगा तो 7 आएगा, 10 डालूंगा तो 10 आएगा। क्लियर सर? हाँ जी सर, कोई डाउट इसमें? अब चलिए कुछ भी लुकअप से रिलेटेड भी हम कुछ बताते हैं आपको। चलिए तो वी लुकअप भी एक दिक्कत था कि आप रिपीटेड वैल्यू अगर आपके पास होता है तो उसका वो सेल्स नहीं देता है क्या? अब देखिए अगर मान लीजिए हम वी लुकअप लगाते हैं पूजा में, इक्वल पूजा हमने इसको सिलेक्ट किया और हम डेटा में गए और comma 2, comma 0 कर दिया, तो पूजा हमेशा वी लुकअप हमेशा फर्स्ट वैल्यू दिखाता है, लेकिन मुझे पूजा का सबसे लास्ट वाला वैल्यू देखना है, समझ गए? सबसे लास्ट वाला वैल्यू तो कैसे करेंगे? तो चलिए अब यहां पे हम आपको इसमें फंक्शन में कंडीशन लगाना सिखाते हैं। कैसे लगाएंगे? लार्ज इफ हमने सेलेक्ट किया इसको, हमने बोला दैट इज इक्वल टू पूजा, तो उसका रो नंबर यहां पे शो होना चाहिए। और हमने 1 दे दिया, मतलब कि सबसे लार्जेस्ट में लेटेस्ट में कंट्रोल से एंटर, देखिए 26। अब इंडेक्स फॉर्मा लगाते हैं या ऑफसेट ही लगा लीजिए, क्योंकि 26 नंबर रो मिला है, समझ गए? ये 26 नंबर रो मिला है। अब 26 नंबर रो का डेटा उठाना है तो बहुत तरीके है, मैं यहाँ पे ऑफसेट लगा देता हूँ। सर एक बार ये फिर से फॉर्मूला आप बताओगे 26 ये कैसे आया है, इसमें रो क्या काम कर रहा है? रो का फॉर्मूला क्या काम कर रहा है? रो नंबर निकाल रहा है सर।
दिखाता हूँ, देखिए। तो हमें चाहिए डेटा, तो डेटा इसने क्या हुआ, देखिए इसने क्या किया, इसने क्या किया, सबको चेक किया कि कहाँ कहाँ पूजा है, ठीक है, जहां जहां पूजा है वहां मैच इसने मैच कर दिया, तो जहां जहां मैच हुआ उसके जगह पे उसका रो नंबर लग दिया, टू दिखा जाना है 10, ओके 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 ठीक है। और लार्ज ने क्या किया, इसमें से हमने लार्ज बोला, लार्ज की जगह मैक्स भी लगा सकता था मैं, ठीक है, तो 1 कर दिया, मतलब कि सबसे लेटेस्ट वाला 26 है, 26 को शो कर दिया। अब इसी में आपको ये करना है कि पूजा का मुझे सेकेंड नंबर या थर्ड नंबर पूजा चाहिए, तो कोड एक कोड आपका यही जो ये आपका जो कोड है कोड सेम रहेगा, समझ गए, बस लार्ज के जगह पे स्मॉल आ जाएगा, लार्ज के जगह पे आप स्मॉल कर दीजिए, कंट्रोल से एंटर। और फिर यहां पे आप ऑप्शन का फॉर्मूला या इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, स्टार्टिंग ऑफ द डेटा रो -1, 1, ठीक है, 45 आ गया। और यहीं पे मैं मुझे दूसरा नंबर वैल्यू चाहिए तो मैं 2 कर दूंगा, दूसरा नंबर वैल्यू आ जाएगा, लेकिन वही है कंट्रोल से एंटर मारना पड़ेगा या फिर लिंक कर लीजिए। दूसरा नंबर पूजा पे 22 है, ठीक है, तो यहाँ जो लास्ट में नंबर डाला हुआ है उसको खास किस सेल से लिंक कर दीजिए या फिर कुछ चेंज कीजिए, तो उससे नंबर का वैल्यू आ जाएगा, समझ गए आशीष जी? हाँ जी सर। और किसी को डाउट है? ज्यादातर तो बाउंस ही हो गया, मेरे को तो लग रहा है कि दोबारा समझना पड़ेगा पूरा वीडियो देख के। तो मैं आगे नहीं बताता हूँ, मैंने आपको आज बताया, हाँ। मैंने आपको आज बताया कि इनडायरेक्ट या रो को लगा के कैसे आप रो को अपने हिसाब से कंट्रोल करोगे, कि भाई जितना मैं चाहता हूँ उतना ही मिले, जैसे कि मैंने पहले तो नंबर्स में किया कि नंबर को सम करने में जो कि अन प्रोडक्टिव एग्जांपल था इसका कोई यूज नहीं होता है, फिर मैं आपको एक यूजुअल एग्जांपल दिया उसके बाद फिर मैंने बताया आपको इसको और कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, लार्ज में हमने यूज नहीं बताया आपको, लार्ज है स्मॉल है, फिर मैंने बताया आपको कि अगर लार्ज यूज कर रहे हैं तो वी लुकअप का अल्टरनेटिव, जैसे वी लुकअप लिस्टिंग आपको पढ़ाया था याद होगा, तो वी लुकअप लिस्टिंग का ये अल्टरनेटिव है, कि वी लुकअप लिस्टिंग की जगह पे इनका यूज कर सकते हो आप, वी लुकअप लिस्टिंग वाली एग्जाम्पल फाइल आपके पास होगी उस पे इस मेथड को अप्लाई करके देखिए, ठीक है सर, ठीक है। आशीष जी मुझे वीडियो भेज देना यार, मेरा एक्चुअली मैं फोन से ले रहा हूँ आजकल, मेरा लैपटॉप नहीं आता अभी, बिल्कुल मैं भेज देता हूँ। सर मैं ना कल ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं फिर मंडे ही ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगी। तो आज का होमवर्क क्या है आपका, कि आपको वी लुकअप लिस्टिंग वाली फाइल पे इसका मेथड अप्लाई करके मुझे भेजना है, ठीक है, ठीक है जी, ओके।